हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के थर्ड लेक्चर में स्वागत है आपका। क्लास 12th का टॉपिक है मैट्रिसेस आव्यूह, उसी के आज थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के। पिछले दो वीडियोज में मैंने इंट्रोडक्शन और उसके आगे की कुछ कहानी मैंने बता दिया है। एक वीडियो मैंने और डाला था जिसमें मैंने NCERT बुक के मैट्रिक्स का जो पहला एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों तक दे दिया है। अगर आप मेरे यूट्यूब पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं पंकज सिंह फ्रॉम ब्लिस एकेडमी छपरा। मेरी संस्था है ब्लिस एकेडमी जहाँ पर ऑफलाइन क्लास भी प्रोवाइड की जाती है, और अभी इस कोरोना काल में हम ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन 12th की बात कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग 11th के बैच को भी शुरू करेंगे, तो अगर 12th के बैच में आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करके आप मेरे से जुड़ सकते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक और संदेश देना चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। तो किसी भी वीडियो को अगर आप देखें तो उसको अंत तक देखें, अगर आपको ज़रूरत है तो, ताकि उसका बेनिफिट आपको मिल सके और बेहतर कॉन्सेप्ट मिल सके। और इस बात की गारंटी देकर हम बोलेंगे कि जब आप अंत तक देखेंगे तो हम आपको सबसे बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे आपको आप तक आपके लिए कंटेंट जो है उसको पहुंचाने की। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कनेक्टेड हम लोग नहीं रह पाएंगे। उसके लिए प्लीज़ आप मेरे को सब्सक्राइब करें, मेरे को नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आपकी ज़रूरत का हर वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ओके। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रह सके और आपके दोस्तों की भी पढ़ाई कंटिन्यू रह सके। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको आप हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह, क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह बोलते हैं, वर्ग आव्यूह, ठीक है। वर्ग आव्यूह क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास और अगर उसके रोज की संख्या कॉलम्स के बराबर है, कॉलम्स की संख्या के बराबर है, मतलब अगर m n के बराबर है तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में रोज की संख्या, पंक्तियों की संख्या अगर कॉलम्स की संख्या के बराबर है तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब m इज इक्वल टू n होगा। बात समझ में आए? तो यहाँ पे मैंने लिखा कि आव्यूह, यहाँ पे आव्यूह a इज इक्वल टू ए आई जी एम बाई एन एक वर्ग आव्यूह कहलाता है, एक वर्ग आव्यूह कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है यदि m इज इक्वल टू m। कहानी समझ में आ गया? अब जो भी डेफिनेशन देना होगा हम इसी ढंग में देंगे और सिर्फ कंडीशन की बात कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या लिखना है, परिभाषा में मुझे क्या लिखना है। अब दूसरी बात आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स की कहानी खत्म। अब दूसरी बात आएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आयताकार आव्यूह। क्या कहते हैं? आयताकार आव्यूह, ठीक है ना। आयताकार आव्यूह क्या होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं है। m जो है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रो की संख्या को, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम्स की संख्या को। तो अगर रो की संख्या कॉलम्स की संख्या के बराबर नहीं है तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिया यहाँ पे 2, 5, 9, 2, 4, 6, देख लीजिए ना। अब अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आप क्या लिखेंगे? 2 by 3। देख लीजिए, दो ठो रो है और तीन ठो कॉलम है, तो आपने क्या देखा? जो रो की संख्या है वो कॉलम्स की संख्या के इक्वल नहीं है। तो जब रोज की संख्या कॉलम्स की संख्या के इक्वल नहीं है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर हम बात करते हैं तीन नंबर टाइप की तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्या बोलते हैं? क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स में रोज की संख्या कम हो,
और कॉलम्स की संख्या ज्यादा हो। ध्यान से सुनना, अगर किसी मैट्रिक्स में रोज की संख्या कम हो और कॉलम्स की संख्या ज्यादा हो तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह। ध्यान देना यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा अगर किसी मैट्रिक्स में, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे 2, 5, 9, यहाँ पे 2, 6, 8, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, तो इसमें रो की संख्या कितनी है 2 और कॉलम्स की संख्या कितनी है 3। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो रोज की संख्या है यहाँ पे n इज लेस देन n, जो रोज की संख्या है वो कॉलम की संख्या से छोटी है, कम है, तो हम इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज आव्यूह। अब इसके तुरंत बाद अगर हम बात करें वर्टिकल मैट्रिक्स की, तो देख लीजिए वर्टिकल मैट्रिक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तब इसी पे आप आगे का अनुमान लगा सकते हैं आसानी से कि अगर किसी मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या कम हो और क्षैतिज मतलब रोज की संख्या अगर ज्यादा हो, इट मींस यदि n इज लेस देन m, यदि n इज लेस देन m, n इज लेस देन m, या आप इसको कह सकते हैं n इज ग्रेटर देन m, तो आप इसको बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। एक बार फिर रिपीट करते हैं, अगर किसी आव्यूह में ऊर्ध्वाधर मतलब कॉलम्स की संख्या अगर कम हो, ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती हैं अगर उनकी संख्या कम हो तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, और अगर क्षैतिज रेखाओं की संख्या कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज आव्यूह। चलिए इसको आप लोग नोट करें, फिर हम लोग बात करें। आपको कुछ भी नोट करना है वीडियो को पॉज कर लीजिए और आसानी से नोट कर लीजिए, तब फिर प्ले कीजिए। ओके, आते हैं आगे और टाइप 5 की बात करते हैं, और इसमें हम लोग बात करेंगे पंक्ति आव्यूह की। किसकी बात करेंगे लोग, पंक्ति आव्यूह की, पंक्ति आव्यूह जिसको आप लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। अगर किसी आव्यूह में सिर्फ एक ही पंक्ति हो, ध्यान रखिए मैंने स्तंभों की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ कंडीशन लगाया है पंक्तियों की संख्या पर। अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक है, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो, 2, 10, 20, 25, 50, 500 कोई फर्क नहीं पड़ता है, पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1, तो उस आव्यूह को बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, पंक्ति आव्यूह के लिए क्या कंडीशन होगा, m का वैल्यू 1। ये m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक बार फिर बता दें, पंक्तियों की संख्या। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, अगर मैंने लिखा 2, 4, 6, देख लीजिए यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो 1/3 होगा, और यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या है, m का वैल्यू कितना है 1। इसके लिए कोई शर्त नहीं है, इसकी संख्या कुछ भी हो, अगर हम यहाँ पे इसको हटा देंगे तब भी ये रो मैट्रिक्स है, अगर हम इसको हटा देंगे तब भी ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे पंक्ति कितनी है 1, पंक्तियों की संख्या कितनी है 1, और अगर हम यहाँ पे 2, 4, 9, 6 अगर ऐसे लिख दें और 1/4 कर दें तब भी ये पंक्ति आव्यूह है। इज इट क्लियर, समझ में आया सबको? अब आगे अगर हम 6 नंबर की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्तंभ आव्यूह। क्या बात करेंगे? स्तंभ आव्यूह जिसको आप कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ओके, वर्टिकल मैट्रिक्स, जैसे आपको मैंने पंक्ति आव्यूह का डेफिनेशन बताया उस पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वर्टिकल मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन होगा। जी हाँ, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम, क्या हो, सिर्फ एक कॉलम हो, रोज चाहे कितना भी हो, क्योंकि रोज के लिए हम कोई प्रतिबंध लगा ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ प्रतिबंध किस पे लगा रहे हैं, सिर्फ एक कॉलम हो, मतलब अगर स्तंभों की संख्या एक है तो उसको हम बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। जैसे अगर हम ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, एम बाई, तो एन क्या सूचित करता है, स्तंभों की संख्या को, तो अगर एन बराबर 1 हो गया तो इसको बोलेंगे हम स्तंभ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देके देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2, 9, 6, देख लीजिए अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो 3/1 है, और यहाँ पंक्तियां कितनी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ देखना है स्तंभों की संख्या को, और स्तंभों की संख्या कितनी है 1, इट मींस यह एक वर्टिकल मैट्रिक्स, सॉरी स्तंभ आव्यूह है, मतलब यहाँ पे क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स, मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे देखिए कॉलम मैट्रिक्स, नाम मैंने गलत लिख दिया था, जो कि वर्टिकल होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ओके, तो यहाँ पे स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, तो अगर किसी आव्यूह में, एक बार रिपीट कर देते हैं, कॉलम्स की संख्या सिर्फ एक हो तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इज इट क्लियर?
अब इसके आगे की बात जो हम लोग करेंगे वो टोटली बेस्ड ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स, वो टोटल जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे बेस्ड होगा। तब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स की, जिसमें आएगा डायगोनल एलिमेंट एंड लीडिंग डायगोनल। मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो कितने भी ऑर्डर का है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, A11, A12, A21, A22, क्लियर। अगर हमने 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, 3x3 A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना यहाँ पे। या अगर हमने 4x4 ऑर्डर का ले लिया, यहाँ पे 4x4 ऑर्डर का, तो सब में कहानी कहानी क्या होगी ध्यान दीजिएगा। जो लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर है और राइट साइड जो लोअर कॉर्नर है उसको आप देख लीजिए, यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, एक मैंने बॉक्स बनाया ना। अब उस बॉक्स में जो एलिमेंट है उसको ध्यान दीजिए, जब हम एलिमेंट को लिखते हैं तो AIJ, ये AIJ क्या बताता है, आई वे पंक्ति और जे वे स्तंभ के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब AIJ क्या रिप्रेजेंट करता है, आई वे पंक्ति और जे वे स्तंभ के अवयव को। ये आई पंक्तियों की बात करता है और जे किसकी बात करता है, स्तंभों की बात करता है। तो यहाँ पर देखिए आई और जे दोनों इक्वल है, 1 1 है ना, 2 2 आई जे दोनों इक्वल है। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, लेफ्ट साइड लोअर अपर कॉर्नर से राइट साइड लोअर कॉर्नर की तरफ हम अगर एक डायरेक्शन लेते हैं, डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 है ना, आई जे के बराबर है, आई जे के बराबर है, आई जे के बराबर है। तो अगर कोई एलिमेंट है यहाँ पर, अगर कोई एलिमेंट है यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए आई जे, अगर कोई एलिमेंट है तो ये एलिमेंट ए आई जे डायगोनल एलिमेंट कहलाता है यदि बराबर ए बराबर आई बराबर जे। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कोई भी अवयव, क्योंकि जनरल जो फॉर्म होता है एलिमेंट का वो ए आई जे होता है, तो अगर कोई एलिमेंट ए आई जे है तो इसको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, हम विकर्ण अवयव कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विकर्ण अवयव, यदि आई बराबर जे। अब तुरंत इसके आप अगर कन्वर्स की बात करें तो जब आई इज नॉट इक्वल टू जे तो क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, अविकर्ण अवयव। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये ए आई जे, यदि आई यहाँ पर इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट, क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट। बात पकड़ में आए, नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब चलिए ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये तो पता चल गया कि ये डायगोनल एलिमेंट है और ये सब क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है। यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट और ये क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट है क्योंकि यहाँ आई जे के बराबर नहीं है, क्लियर है। अब जो डायगोनल एलिमेंट है वह जिस रेखा के अनुदिश होते हैं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जिस रेखा के अनुदिश होते हैं उस रेखा को हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल, या हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, या हम कहते हैं मेन डायगोनल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य विकर्ण। देखिए यहाँ पे नाम दे देते हैं, क्या हम बोल सकते हैं, लीडिंग डायगोनल, या हम इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, या हम इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, क्लियर ना। मैंने क्या बोला, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मुख्य विकर्ण, है ना। मैंने क्या बोला, एक बार रिपीट करते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जिस रेखा के अनुदिश होते हैं, जिस रेखा पर स्थित होते हैं, उस रेखा को कहते हैं लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। इज इट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट और लीडिंग डायगोनल के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे टाइप्स की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप में हम लोग बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बात करेंगे लोग, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विकर्ण अवयव। क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, चाहे वो कितने भी ऑर्डर का है, लेकिन मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर, क्योंकि अब हम लोग बात जितनी भी करेंगे, जितने टाइप की करेंगे वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स में बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमने m बाई n ऑर्डर ले लिया, m बाई n शो कर रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हों। अब लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर ये भी कहने की जरूरत नहीं है,
आपको सिर्फ अगर हम ये कह दें कि किसी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शून्य हो जाएं, तो उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने लिखा यहाँ पे जीरो, मैंने लिखा पांच, सॉरी जीरो जीरो, मैंने लिखा जीरो पांच जीरो, जीरो जीरो मैंने नौ लिख दिया, ध्यान दीजिए, तो ये लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये जो बचे हुए हैं ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें क्या लिखा है मैंने, उससे कोई मतलब नहीं, जीरो पांच नौ लिखा है, क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर हमको दिख रहे हैं, अगर वो जीरो हो जाते हैं, तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। याद रहेगा, तो याद रखिए यहाँ पर कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई वर्ग आव्यूह, यहाँ पे कोई वर्ग आव्यूह, कोई वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे, ठीक है। जब आपने वर्ग आव्यूह लिख दिया तो यहाँ पे ऑर्डर बताने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने ऑर्डर बता दिया तो वर्ग आव्यूह लिखने की जरूरत नहीं है। तो कोई वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एक, यहाँ पे क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा, आव्यूह कहलाता है, कहलाता है यदि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब हुआ कि अगर आई जे के बराबर नहीं है तो हम नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, और कह रहा है कि जब भी आई इज नॉट इक्वल टू जे उस केस में वैल्यू क्या होगा, जीरो, मतलब सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला है डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में, इज इट क्लियर। तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब चलिए, अगर हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स के बाद, तो सेकेंड टाइप जो होगा मेरा वो होगा स्केलर मैट्रिक्स। क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हम हिंदी में कहते हैं अदिश आव्यूह। क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह। ध्यान देना यहाँ पे, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है मेरे पास और उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर बराबर है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, ठीक है, वो चाहे जो हो, दो हो, दो हो तो दो, दो 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 दो, अगर तीन है तो तीन 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 तीन, चार है तो चार 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 चार, जो भी है, अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हैं और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। देखिए एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने लिखा टू जीरो जीरो, जीरो टू जीरो, जीरो जीरो टू लिख दिया मैंने, तो ध्यान दीजिए जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब बराबर हैं, आपस में बराबर है, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, वो सब है जीरो। तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा पांच जीरो 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 जीरो, सॉरी जीरो पांच जीरो 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 पांच, इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बात करते हैं? यूनिट मैट्रिक्स की, जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्लियर, जिसको आप हिंदी में कहते हैं इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह, या आप कहते हैं तत्समक आव्यूह। क्या कहते हैं? तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, है ना, क्लियर, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह के लिए हम इसको हटाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। आव्यूह है हमारे पास, ठीक है, कोई वर्ग आव्यूह है, और अगर उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है और सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू यूनिटी, अगर एक के बराबर है, इकाई के बराबर है, तो उस आव्यूह को बोलते हैं तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह, अंग्रेजी में आप उसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? जैसे मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना, समझ में आया, यूनिट मैट्रिक्स, इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि सारे डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 के बराबर है और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। अगर ये 3x3 ऑर्डर का है तो हम इसको लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, I3, रीड एच, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, तत्समक आव्यूह तीसरे क्रम का। अगर मुझे यहाँ पे I4 लिखना होगा तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे I4 क्या, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, क्लियर ना, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात आती है कि क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन होता है कि जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब शून्य होने चाहिए और जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं सब बराबर होने चाहिए। तो है या नहीं है? है। तो हर यूनिट मैट्रिक्स
हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता है। यहां तक समझ में बात आई? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो अब हमने आपको समझा दिया। स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स के बाद हम लोग बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ठीक है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ध्यान देना है। अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने 3x3 ऑर्डर कर लिया और हम इसको लिखते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, है ना यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपके डायगोनल लीडिंग डायगोनल जो दिख रहा है, लीडिंग डायगोनल के ऊपर जो भी एलिमेंट है, लीडिंग डायगोनल के ऊपर जो भी एलिमेंट है उसमें देखिए आई जे से छोटा है ना, I जो है वो J से क्या है छोटा है, क्लियर। और जो नीचे एलिमेंट है इसमें I J से क्या है बड़ा है, देख लीजिए 2 1 3 1 3 2 सब में I जो है वो J से बड़ा है। अब बात आती है यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें लीडिंग डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट, ऊपर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, अगर लीडिंग डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट अगर शून्य हो जाए तो उसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी वर्ग आवयव में लीडिंग डायगोनल मतलब मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो हम क्या कहते हैं उस आवयव को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार आवयव कहा जाता है, क्लियर ना। इसको सिंबोलिकली समझिए, अगर कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे a बराबर ए आई जे, ठीक है, और इसका ऑर्डर हो गया m बाई m, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला अपर ट्रायंगुलर कब कहलाएगा जब a i j जीरो हो जाए अपर ट्रायंगुलर, नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, तो नीचे के सारे एलिमेंट्स में i क्या होता है j से बड़ा होता है, तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि जीरो से बड़ा होगा फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j, मतलब जहां जहां i j से बड़ा है अगर वो सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। अब इसका उल्टा लोअर ट्रायंगुलर में क्या, अगर लीडिंग डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए, लोअर ट्रायंगुलर में नाम के विपरीत, अगर लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर में नहीं, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर लीडिंग डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पे क्या बात कर लेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, व्हेन ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज लेस देन जे। इज इट क्लियर, ये हुआ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 यहां पे 0 0 5 2 0 0 यहां पे 2 9, मैंने ऐसे कर दिया, ओके। अब आप गौर से देखिए, ये है लीडिंग डायगोनल और लीडिंग डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 है, तो अगर लीडिंग डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 है तो ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मैंने यहां पे लिखा, ऐसे लिख दिया 2 5 0 0 9 8 0 0 7, मैंने कर दिया, तो ये जो लीडिंग डायगोनल है अगर इसके नीचे का सारा एलिमेंट जीरो है तो इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर। और अब बात करेंगे हम लोग किस मैट्रिक्स का, जीरो मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो है, अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको कहते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स। और ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो ये मैंने बात करी इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, इसको आप देखें, बार बार देखें, समझें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।